हेलो वेलकम गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ चार स्टेप्स यूज़ करके किसी भी फोटो को अच्छे से एडिट कैसे कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है फोटो को क्रॉप करना और उसके पर्सपेक्टिव को सेट करना। सो क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पेंसिल पे दबाना है और क्रॉप टूल पे जाना है। आप अपने फोटो को अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि फालतू चीज़ें हटाई दें, जैसे यहाँ मेरे पे ज़मीन दिख रही है थोड़ी सी और मेरे को अपने पैर इसमें से हटाने हैं, तो आप क्रॉप कर दीजिए। फालतू की चीज़ें फ़ोटो में होती हैं तो बेकार लगती हैं, सो आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हो। सो जो सेकंड थिंग है वो है अपनी पर्सपेक्टिव सेट करना। अब कई बार क्या होता है, अपन जैसे बिल्डिंग की फ़ोटो खींचते हैं, ये वाला टूल यूज़ करना है, पर्सपेक्टिव लिखा दिख जाएगा। सो कई बार अपने फ़ोटो का एंगल चेंज कर सकते हो। बेसिकली बताया जाए, जिस साइड आप घुमाओगे उस साइड ये ऐसे चेंज हो जाएगा, साइड से ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगा। सो ये फोटो अभी ऐसी दिख रही है। सो गाइस, जो स्टेप टू है वो आता है इमेज को ट्यून करना। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा ट्यून इमेज। इसमें क्या होता है, ब्राइटनेस होता है, स्ट्रक्चर, सेचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह होता है। कई लोग क्या करते हैं, बेकार से एडिटिंग कर देते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा दी, सेचुरेशन बढ़ा दी, चमक दमक दिखा दी। चमक दमक नहीं चाहिए अपन को, एक अच्छी फोटो होनी चाहिए। फालतू काहे को चमक दमक, इधर गाड़ी खड़ी उधर गाड़ी खड़ी, पीछे से निकल रहा आई एम द किंग और ये सब, ये नहीं चाहिए अपन को। सो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे आसान, ब्राइटनेस पूरी पहले तो एकदम इधर ले जाइए, फिर एकदम इधर ले जाओ, फिर जहाँ आपको लगे कि हाँ सही आ रहा है वहाँ पे जाके छोड़ दो। जैसे मैं ब्राइटनेस ज़्यादा है मैं वो कम करनी है, मैंने यहाँ कर दी ओके। अब आप यहीं से ऊपर खिसका दीजिए तो कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा पूरा, वही इधर ले जाओ, फिर से इधर ले जाओ। सो हमारी ट्यूनिंग भी हो चुकी है, मतलब सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। सो अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है अपनी स्किन टोन को सही करना। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सिलेक्टिव टूल। सिलेक्टिव टूल के लिए आपको यहाँ पेंसिल पर क्लिक करना है, क्रॉप के जस्ट नीचे है सिलेक्टिव टूल, उस पर दबाइए। अब जैसे आपको इसमें हाथ मेरा जो है वो थोड़ा डार्क हो गया है, अब उसको थोड़ा ब्राइट करने के लिए पहले उस पर क्लिक कीजिए, उसको सेट कर दीजिए जैसे आपको चाहिए और ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। अब हमारा तीसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा चौथा और लास्ट स्टेप। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है पर ये थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि आप इस स्टेप में तीन चीज़ें कर सकते हो। आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप उसको ब्लर कर सकते हो, और अगर आप टेक्स्ट डालना चाहो तो टेक्स्ट डाल सकते हो, और एक और चीज़ होती है, मैं इसका नाम नहीं पढ़ पाता, मैं उनको दिखाता हूँ, मैं इसको वर्जन कहता हूँ, ये इस वाले टूल से, इससे आपकी जो साइड है वो ऐसे डार्क और ब्राइट हो जाती है। मेरे तो फोटो में जो साइड्स हैं वो डार्क हैं, और आप इधर ऊपर नीचे करके इसको सही कर सकते हो। अगर ये कोई लाइट फोटो में यूज़ करो तो अच्छी लगती है, और आप टैग डाल सकते हैं। अब मेरी फोटोज आपने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी, उसमें सब में नीचे PS9 डाला होता है, और अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, मेरे को फॉलो कर लो, मैं उस पर भी फोटोज वगैरह डालता रहता हूँ। सो गाइज, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक एम है 10 लाइक कर देना, अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि अपन मांगें अच्छे खासे लाइक, तो 10 लाइक कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और ऐसी और फोटोग्राफी और एडिटिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय और बी सेफ।